इंदौर की सराफा बाजार पुलिस ने एमटी क्लॉथ मार्केट के गोडाउन में हुई चोरी का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपियों में से एक कपड़ा बाजार का दुकानदार भी शामिल है, जिसने कर्ज चुकाने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। दरअसल सराफा टीआई सुनील शर्मा ने बताया कि मकर संक्रांति पर कपड़ा मार्केट में एक गोदाम में 1.5 लाख का माल चोरी हो गया था। पुलिस ने 34 सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो एक रिक्शा जाता दिखा, जिसका नंबर पता कर उसके चालक को पकड़ा। उसने बताया कि उसे द्वारकापुरी से 2 लोगों ने बुलाया था और वह लोडिंग रिक्शा लेकर पहुंचा तो एक युवक ने कहा कि वह गोदाम उसका है। फिर वे माल लेकर निकले और रास्ते में ही माल उतरवा लिया और सुराग मिलने पर बैराठी कॉलोनी जूनी इंदौर में रहने वाले आरोपी हिमांशु मुरजानी, संजय राठौर और सन्नी परसवानी को गिरफ्तार कर लिया गया और मुख्य आरोपी व्यापारी हिमांशु, जिस पर सन्नी का कर्ज था और वह हिमांशु को बार बार कर्ज चुकाने के लिए तंग कर रहा था। आखिर में हिमांशु ने सनी से कह दिया कि वह कर्ज नहीं चुका सकता, लेकिन हम चोरी कर सकते हैं, और फिर दोनों ने गोदाम का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों से चोरी का माल बरामद कर पूछताछ शुरू कर दी है। सराफा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एमटी क्लॉथ मार्केट है, उसमें नलिया बाखल वाला जो गेट है वहाँ पर एक रेडीमेड लेगिंग्स की दुकान में 14 जनवरी को चोरी हुई थी, जिसमें कुछ अज्ञात आरोपी द्वारा गेट का ताला तोड़कर और लेगिंग्स चुरा कर ले गए थे, जिस पर अपराध पंजीकृत किया गया था। उस अपराध की विवेचना में हमारे द्वारा घटनास्थल के जो सीसीटीवी फुटेज निकाले गए, जिसमें कुछ संदिग्ध लड़के और एक ऑटो दिखाई दिया, और उस फुटेज के आधार पर उस समस्त जितने भी जाने के संभावित रास्ते थे उन सबको ट्रैक किया गया और उस ऑटो के रूट को ट्रैक किया, जो हमको द्वारकापुरी तक रूट मिला और वहां पर सामान उतारते हुए फुटेज प्राप्त हुए। उस आधार पर उस क्षेत्र में हमारे द्वारा मुखबिर लगाए गए और सादा वस्त्र में जो जवान थे उनके द्वारा भी लगातार पूछताछ की गई उस फुटेज के आधार पर, जिसमें करीब एक महीना मेहनत करने के बाद हमको कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले और उस आधार पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे चोरी किया गया संपूर्ण माल बरामद किया है। सर, कौन है आरोपी, क्या कारण आया? इसमें पूछताछ में जो जानकारी प्राप्त हुई है, ये कोई अभ्यासिक अपराधी नहीं है। इसमें एक आरोपी वहीं मार्केट में दुकान है उसकी और 2 उसके मित्र हैं। पूछताछ में उन्होंने बताया कि उनको कुछ उधारी का पैसा चुकाना था और वह पैसा चुका नहीं पा रहे थे, इसलिए इन लोगों ने उस गोदाम में चोरी करने की योजना बनाई और रात में दुकान का ताला तोड़ा, परंतु रात में गश्त की वजह से वह लोग सामान नहीं ले जा पाए, तब सुबह ऑटो लाकर वह सामान ले गए। इसमें 3 आरोपियों के जो नाम है, उसमें एक हिमांशु मुरजानी है, दूसरा सन्नी परसवानी और तीसरा उसके यहाँ काम करने वाला संजय राठौर। फिलहाल पुलिस ने जहां चोरी की घटना का खुलासा कर राहत की सांस ली है, वहीं आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की जा रही है। खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।